हिंदी भाषे इतर यावुदे भाषेगळिगे प्रतिस्पर्धी अल्ल इतरे अन्य भाषेगळ जोतेगू हिंदी भाषेयल्लि कार्यनिर्वहणेयागलि एंदु केंद्र गृह सचिव अमित शा हेळिद्दारे हिंदी दिवस अंगवागि विशेष संदर्शन नीडिद अवरु भारत विभिन्न संस्कृति परंपरे भाषे होंदिद्दु इदुवे देशद दोड्ड शक्तियागिदे ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದರು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು ಏಕತಾ ಕೆ ಸೂತ್ರಮೆ ಪಿರೋನೆ ಕಾ ಕಾಮ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಔರ್ ಬಾಕಿ ಸಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾವನ್ನು ಮಿಲ್ಕರ್ भारत की सांस्कृतिक विविधता को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दी है हिंदी के साथ ब्रूज बुंदेलखंडी अवधी भोजपुरी अन्य भाषाएं और बोलियां इसका उदाहरण है हिंदी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के समय से राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का प्रभावी व शक्तिशाली माध्यम रही है हिंदी के सबसे बड़ी शक्ति इसकी वैज्ञानिकता मौलिकता सरलता सुबोधता और स्वीकार्यता भी है हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वो ही लिखा जाता है हिंदी की इन विशेषताओं एवं सर्वग्राहिता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया भारतीय सभ्यता संस्कृति और संस्कारों की अविरल धारा मुख्य रूप से हिंदी भाषा से ही जीवन तथा सुरक्षित रह पाई हिंदी भाषा ने बाकी स्थानीय भाषाओं को भी बल देने का प्रयास किया है भाषा को हिंदी ताकत देती है हिंदी की स्पर्धा कभी भी स्थानीय भाषा से पूरे भारत के जनमानस में ज्यादा स्पष्ट होने की जरूरत है 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की